हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं मानी जा रही है। इसके अलावा बगावत भी भाजपा पर भारी पड़ती दिख रही है। हिसार से लेकर महेंद्रगढ़ तक में पार्टी को बड़े नेताओं की बगावत का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रहे रामविलास शर्मा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। वो बुधवार को पार्टी की ओर से उम्मीदवारी का ऐलान होने से पहले ही नामांकन दाखिल कराए। इस दौरान दक्षिण हरियाणा के कई सीनियर नेता मौजूद थे। राव इंद्रजीत सिंह, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव और अटेली के विधायक सीताराम यादव नामांकन के दौरान पहुंचे थे। यही नहीं, राव इंद्रजीत सिंह ने तो खुलकर रामविलास शर्मा की तारीफ भी की और उन्हें बड़ा नेता बताते हुए कहा कि भाजपा तो उनके खून में है। माना जा रहा था कि रामविलास शर्मा के नामांकन के बाद उन्हें शायद टिकट मिल जाए, लेकिन जब बुधवार की रात को लिस्ट आई तो रामविलास शर्मा का नाम नहीं था। उनकी जगह पर भाजपा ने पूर्व जिलाध्यक्ष कंवर सिंह यादव को मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पार्टी के रुख को लेकर भी नामांकन के दौरान चिंता जताई और कहा कि महज एक फ्रॉड की शिकायत के आधार पर पार्टी की ओर से नजरअंदाज किया जाना गलत होगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सभा के अंदर रामविलास शर्मा जी का नाम ले लिया जाता है तो कम से कम हरियाणा के अंदर कितने ही बड़े और नेता हो, रामविलास शर्मा के नाम के सामने बौने बन जाते हैं। हाथी के पैर में सबका पैर, और अगर आज मंचासी अनेक नेताओं का मैं नाम नहीं ले रहा, जानबूझ करके नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे इस बात का अफसोस है कि जिस व्यक्ति को जब मैं कांग्रेस के अंदर भी था उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला हरियाणा के अंदर केवल एक नाम था और उसका नाम रामविलास शर्मा था। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि टिकट मिले या नहीं, लेकिन किसी को भी सीनियर नेता के अपमान का अधिकार नहीं है। एक शिकायत के आधार पर पार्टी कह रही है कि शर्मा के टिकट पर विचार किया जा रहा है, ये कुछ और नहीं बल्कि जख्मों पर नमक रगड़ने वाली बात है। मैं मानता हूं कि पार्टी को रामविलास शर्मा का टिकट नहीं काटना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ तो ये महेंद्रगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए झटका होगा। भाजपा तो शर्मा जी के खून में है, वो दशकों से पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस तरह रामविलास शर्मा का खुला समर्थन करके और नामांकन में जाकर अपने तेवर दिखाए। साफ है कि रामविलास शर्मा भले ही बागी होकर नामांकन दाखिल किया हो, लेकिन एक बड़ा धड़ उनके साथ जा सकता है। ब्राह्मणों के बीच भी रामविलास शर्मा की एक साख रही है और उनका टिकट कटने से असर दिख सकता है। दक्षिण हरियाणा यानी गुरुग्राम और रेवाड़ी बेल्ट में यादवों के अलावा ब्राह्मणों की भी अच्छी तादाद है। वहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि हमने कभी सोचा तक नहीं था कि रामविलास शर्मा को टिकट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। उनकी ही मेहनत से भाजपा हरियाणा में मजबूत हुई है। दरअसल रामविलास शर्मा समेत 8 लोगों पर एक स्थानीय महिला ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके पति के बहकाकर करोड़ों रुपए की ठगी की है, उनकी संपत्ति को भी कब्जा कराने की कोशिश की है, पति के पैसे से पहले राजनीति की और बाद में उन्हें किनारा लगा दिया। यही नहीं, बेटे को पॉक्सो एक्ट में फंसाने का भी आरोप लगा। वहीं रामविलास शर्मा ने इन आरोपों को आधारहीन बताया है।